खबर शिमला से। शिमला में सियासी प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हेराल्ड केस में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे कांग्रेसियों ने जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के पुतले में आग लगाने की कोशिश की, आग भड़क गई। शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान ही पुतला फूंकने का कार्यक्रम था और जैसे ही पुतले में आग लगाई गई, आग भड़क गई। आप देख सकते हैं कैसे कई कार्यकर्ताओं को उनके भी कपड़ों में आग लगी और ये साफ तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। इसमें ऐसा कहा गया कि कई कांग्रेसी घायल भी हो गए और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने की कोशिश में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता झुलसकर घायल हो गए। ये कार्यकर्ता नेशनल हेराल्ड मामले को केंद्र की राजनीतिक साजिश बताते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और जैसे ही ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने गए, उसमें आग भड़क गई। इस हादसे में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता झुलस गए और बताया जा रहा है कि इनमें से एक की हालत गंभीर भी है। शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जब से सत्र की शुरुआत हुई है उसके कुछ ही दिन बाद से नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर गतिरोध कायम है और लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राजनीतिक साजिश कर रही है बीजेपी और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उसी के दौरान पुतले में आग लगाई गई। प्रधानमंत्री के पुतले में आग लगाई गई और जैसे ही आग लगाई गई, आग भड़क गई। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अभी क्या अपडेट है, कितने लोगों को चोट आई है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। जी बिल्कुल, अगर मैत्री बात करें जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, अगर बात करें कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो आज डीसी ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो एसीजी जो पुतला लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर जो है पेट्रोल का छिड़काव किया गया था, जिसके चलते जो है जब इस पुतले को आग लगाई गई तो आसपास के जितने भी जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो कार्यकर्ता मौजूद थे, वो उस आग की चपेट में आ गए, जिसमें दो लोग जो है वो गंभीर रूप से इसमें उनको जो है वो जले हैं और साथ ही साथ एक महिला है जिसके दुपट्टे में आग लगी थी, उसे भी जो है काफी इस पूरे प्रकरण के बाद जो है चोटें आई हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो है शिमला के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। तकरीबन 45% उसके जलने की बात कही जा रही है। लेकिन जी बिल्कुल, आपने कहा कि एक महिला भी कार्यकर्ता जिनके दुपट्टे में आग लगी थी और ये तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कई कार्यकर्ताओं के कपड़ों में आग लग गई और अचानक ये हुआ। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अचानक हुआ ऐसा किस। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन पूरी जानकारी के लिए।